जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की वीडियो आप लोग थंबनेल देख के अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हरियाणा डीएलएड बीएसटीसी जेबीटी बीटीसी जो आपके राज्य में बोलते हैं, जैसे हरियाणा में इसको जेबीटी बोलते हैं, राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं, यूपी में बीटीसी बोलते हैं और बिहार और उत्तराखंड में डीएलएड बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, अन्य राज्य वाले 12वीं में 50% जिसकी है वही इस वीडियो को देखिए। अगर 49.99 भी है तो भी इस वीडियो को आप अभी छोड़ के जा सकते हैं। एडमिशन बिल्कुल चालू हो गए हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी नोटिफिकेशन के ऊपर बताया था। राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड यानी कि अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को जरूर से देखें। फीस कितनी लगेगी उसकी डिस्कशन करेंगे, उम्र कितनी मांगी जा रही है, दस्तावेजों की बात करेंगे और जितनी भी जानकारियां हैं आप लोगों को जानकारी के लिए सारी चीजें मैं बताऊंगा। इस बार बहुत सारी चीजों में परिवर्तन भी इस बार किया गया है। जो मेन इश्यू था इस अदर स्टेट वालों का वहां जाने का, वो इंटर्नशिप को लेकर इश्यू था, वो क्या है क्या नहीं वो भी हम चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और जो भी साथी प्रवेश लेने के इच्छुक हैं हरियाणा से, मात्र सरकारी फीस में बीएसटीसी डीएलएड बिना प्रवेश परीक्षा के सीधा एडमिशन, 14 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं दिखा भी चुका हूं, फिर से दिखा दूंगा। योग्यता 12वीं में 50%, अदर स्टेट वाले अगर आप हरियाणा के ही हैं तो फिर आप लोगों को परसेंटेज जो है यहाँ पे कम भी चल जाएगी 5% तक। समय आपका, कोर्स की अवधि जो रहेगी वो 2 साल की रहेगी। बच्चों के ये भी डाउट है कि सर इनके एग्जाम फिर कब होंगे, तो भैया सारी चीजें डिस्कस करेंगे। संकल्प क्लासेज एंड डिफेंस अकेडमी और जो स्क्रीन पर ये नंबर दिए गए हैं 9351878438 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पोस्टर का। और भैया बानसूर कोटपुतली राजस्थान, आप हमारे ऑफिस पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारे संस्थान पर भी विजिट कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपना कोई भी चीज आप डाउट है तो ये स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। फिर से मैं स्क्रीन पर एक बार नंबर लिख देता हूं, 9351878438 तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सारी की सारी जानकारी। और आपको एडमिशन अगर करवाना है एक अच्छी जगह और एक अच्छे कैंडिडेट के थ्रू अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे फ्रॉडबाजी धांधलेबाजी के लिए तो दुनिया में लोग बहुत हैं, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक चीजें, ऑथेंटिक एडमिशन चाहिए तो भैया संपर्क कर सकते हैं। अब प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले तो ये जो डेट का जो कैलेंडर था, ये डेट का जो कैलेंडर था वो आप लोगों को मैंने पहले ही दिखा दिया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फी एप्लीकेशन फिलिंग 14/10/2024 से 23, यानी कि जो अंतिम तिथि है वो 23 अक्टूबर है। और भैया सीटें तो पहले से ही हम लोगों के पास भी बहुत सारी सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, आप लोगों की भी अगर आप एडमिशन करवाएंगे तो आपकी सीट फुल हो जाएंगी। और काफी कॉलेज वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लेने से ही मना कर दिया कि हम अब एडमिशन नहीं ले सकते, हमारे पास में अब पर्याप्त सीट नहीं है। तो भैया सीटें भर चुके हैं, जिस भी साथी को जहां भी जैसे भी सीट मिल जाए अपनी सीट तुरंत बुक करवा लो। और यहाँ पे आप लोगों का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 23/10 है। बाकी फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड में फीस से बढ़ जाएंगी, कुछ सीटें इनमें से छटेंगी तो फीस बढ़ जाएगी। तो 14 अक्टूबर से और आप 23/10 तक आप एडमिशन अपना करवा लें, जहां भी करवाना है आप लोग सुनिश्चित कर लें जो भी आपके एडमिशन वगैरह जो भी चीजें हैं। ये आपका नोटिस था। उसके बाद में ये आप लोगों के जो मेन जो चीजें हैं वो इसमें दी गई है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट डेट दी गई है आप लोगों की 14 अक्टूबर और लास्ट डेट दी गई है 23 अक्टूबर, इसमें भी दिया गया है, साफ साफ सीधा सीधा इसमें दिया गया है। इसके अलावा प्यारे साथियों इसमें और जो है आप लोगों के कुछ डाउट हैं तो वो डाउट मैं यहाँ पे पूरे कर देता हूं। इसमें देखिएगा और क्या क्या लिखा हुआ है, द एडमिशन विल बी ओपन, ठीक है, हरियाणा आउटसाइड इन हरियाणा यानी कि अदर स्टेट वाले भी और स्टेट वाले भी दोनों के लिए एलिजिबल है, कोर्ट ने परमिशन दे दी है। जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो क्या दी गई है, देखिए, कैंडिडेट विद लिस्ट 50% मार्क्स इन सीनियर यानी कि 12th में किसी भी बोर्ड से है तो 50% जो है उसको चाहिए। और यहाँ पे अगर ये देखो हरियाणा का है कैंडिडेट तो उनको यहाँ पे छूट दी गई है, अगर एससी का है ओबीसी का उनको अलग से। और 10वीं में हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य है और हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक, और 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना भी अनिवार्य है। उसके अलावा प्यारे साथियों एज को लेकर कई कैंडिडेटों का इश्यू चल रहा था, किसको लेकर, एज को लेकर कि सर जी एज क्या रहेगी, तो भैया एज मैं बता देता हूं, कम से कम एज 16 साल हो, कम से कम जो एज है वो कितनी हो, कम से कम जो एज है वो आपकी 16 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 45 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है हरियाणा से। हालांकि राजस्थान में 28 साल तक ही है, हरियाणा में 45 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
दूसरी बात, अब दस्तावेजों की और फीस की बात आती है कि दस्तावेज जो होंगे वो भैया कौन कौन से चाहिए। तो दस्तावेज की तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो चाहिएगा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हर जगह मांगा जाता है, आपका आधार कार्ड, एक आपकी मार्कशीट चाहिए, ठीक है। मार्कशीट चाहिए कौन कौन सी, दसवीं और बारहवीं की, दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए भैया, इसके अलावा आप लोगों की फोटो चाहिए, और फोटो के साथ में जो क्या चाहिए, आपके साइन चाहिए। इसके अलावा प्यारे साथियों एक्स्ट्रा जो चीज बताऊं मैं आपको, ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास में आपका मूल निवास होना चाहिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बनवा लेना, बाद में चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अदर स्टेट के हो, चाहिएगा। उसके अलावा प्यारे साथियों आपके मोबाइल नंबर चाहिए, आपकी ईमेल आईडी चाहिए, और भैया आप लोग अगर हमारे थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको नंबर दिया था 9351478438, इस पर आप हमें अपने मोबाइल से पीडीएफ मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, manishmajri994@gmail.com, इस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो जो भी साथियों आपकी इच्छा है, आप उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो एक पीडीएफ बना के पीडीएफ के रूप में आप मुझे इस नंबर पे या ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। और प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, चाहे कहीं भी किसी भी जगह एडमिशन करवाएं, आप लोग ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका एडमिशन एक सही जगह या किसी ऐसे कैंडिडेट के पास तो नहीं है कि कल उसको कोई ठिकाना ही ना मिले, ठीक है, इस चीज की जरूर जांच कर लेना। और भैया जो भी चीज है, एक विश्वास की जगह ही करवाना जहां आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्टफुल संस्था की तलाश कर रहे हैं तो संकल्प क्लासेज एंड डिफेंस अकेडमी बानसूर कोटपुतली राजस्थान बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे करवा सकते हैं। अपनी सीट अभी से आप बुक करवा लो, क्योंकि एंड टाइम पे आप कहोगे सर एडमिशन तो भैया सीट फुल, और आप लोग लोकेशन अपनी बता दीजिए कि हरियाणा में आप किस जगह से करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, सारी चीज आपके पास है। और भैया एक ट्रस्ट आप, मैं कह रहा हूं इस बार अगर एक कैंडिडेट एडमिशन ले रहा है, अगली बार आप खुद अपने साथियों को यहां से करने की सलाह दोगे, इस चीज का मुझे पूरा विश्वास है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।